और दो डंगा बना के रखा है यहाँ पे, कागज का डंगा। चलिए पापा, तो कागज का डंगा जीतेगा, जीता उठेगा। वो दिखा रहा है डंगा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 10:30। बस हम थोड़ा लेट में आज उठे क्योंकि कल रात को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हमारा घर में, थोड़ा मतलब हमारा जो मिट्टी का घर था वो बारिश की वजह से धो गया, तो थोड़ा उस घर में थोड़ा साफ करना कर रहे थे, तो इसीलिए रात को 2-3 बज गया, तो इसीलिए सोने में थोड़ा देरी हो गई और इसीलिए आज सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया। चलिए देखते हैं, गेलू यहाँ पे खड़ा है, सुबह से पढ़ाई कर रहा है। चलिए देखते हैं गेलू क्या पढ़ाई कर रहा है। और आज का जो ब्लॉग है मैं थोड़ा बाहर बनाना चाहता था, हम लोग थोड़ा बाहर जाने की प्लानिंग में थे, लेकिन रात रात भर बारिश हो रही है, अभी तक भी बारिश हो रही है। चलिए देखते हैं, बाहर चलते हैं, कैसे बारिश हो रही है देखते हैं। चलिए पापा, ये देखिए, ये देखिए कैसे बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए इतना जोर से बारिश हो रही है। पहली बार वो 2 दिन से बारिश हो रही है, कल रात को बारिश हो रहा था, एकदम रुकी नहीं, आज तक एकदम बारिश चल रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है। चलिए और देखते हैं। और गेल्लू सुबह से पढ़ाई कर रहा है। गेल्लू सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ये देखिए ये बुक भी फाड़ दिया, ये देखिए बुक भी फाड़ दिया। और दो डंगा बना के रखा है यहाँ पे, कागज का डंगा। चलिए पापा, तो कागज का डंगा जीतेगा, जीते उठेगा। वो दिखा रहा है डंगा, गेलो सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ये देखिए कितना बारिश हो रही है। बहुत जोर से बारिश हो रही है। ये देखिए इतना जोर से बारिश हुआ कल रात को, हमारा घर का वो जो दीवार था मिट्टी का दीवार वो तो धो गया, वो बारिश यहाँ से गिरी। ये देखिए बारिश यहाँ से गिरी और हमारा घर पूरा एकदम कीचड़ भरा भर गया। ये देखिए एकदम कीचड़ ही कीचड़, और पूरा मिट्टी का घर था ना, इसलिए ये वाला कीचड़ पूरा एकदम जो का मिट्टी का दीवार था वो एकदम धो गया। चलिए ये देखिए कितने जोर से बारिश हो रही है, कितना जोर से बारिश हो रही है, बारिश में रुकने की नाम नहीं रहा है। सुबह से बारिश हो रहा है, कल रात से भी बारिश हो रहा है, एकदम सारे तालाब फूल हो गए, हमारा तालाब तो फूल हो गए। और बारिश रुकने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सुबह मैं उठ के एक मोटर फिटिंग किया है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर फिटिंग किया है पानी निकालने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ा बारिश रुकने दीजिए। इतना बारिश हो रहा है कि हमारा तालाब एकदम फूल हो गया, सारे मछली ऊपर से मतलब वो खेलने लगे, अगर पूरा फुल हो जाता है पानी तो मछली निकल जाएंगे, इसलिए मैंने वो जो मोटर इलेक्ट्रिक वाला मोटर है मैंने फिट किया है और पानी निकालने के लिए, एकदम छोटा सा मोटर है इसलिए वो कम पानी निकल रहा है, बड़ा मोटर तो हमारा नहीं है, इसलिए आज जब तक लाइन है वो चलता रहेगा। चलिए
घोड़ा को हॉर्स कहते हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स हॉर्स माने घोड़ा जिराफ को कहते जिराफ जी आई आर ए एफ एफ ई जिराफ जिराफ माने जिराफ अभी ना जाते अभी भगवान का पूजा कर रही है चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बारिश कितने जोर से हो रही है और हमारा तालाब जो है वो पानी से भर चुका है और मैंने मोटर डाला है इलेक्ट्रिक मोटर डाला है पानी निकालने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए छतरी लेके चलते हैं। मछलियों के लिए भी ये खाना लेके जा रहे हैं, चलिए मछलियों के लिए भी खाना डाल देते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितने ज़ोर से बारिश हो रही है, आप लोगों को तो आवाज़ आ रहा होगा, छतरी में ढक के जा रहा हूँ। देखिए कितने ज़ोर से बारिश हो रही है, मटर अभी भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे मटर चालू, इस साइड में देखिए, ये देखिए तालाब का साइड एकदम भर चुका है पानी। देखिए उस साइड थोड़ा नीचे एकदम ऊपर तक पानी आ गया है, तो पानी निकालना ज़रूरी है इसलिए मैंने मोटर डाला है। थोड़ा बारिश रुक जाने दे, अगर थोड़ा बारिश रुकता है तो पानी थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। और एक मोटर है हमारा, वो भी डाल दूँगा, लेकिन थोड़ा बारिश कम होने पर डालेंगे। एक ही मोटर चल रहा है, ये देखिए, ये आप लोगों को तो आज आवाज़ तो आ रहा होगा आवाज़। ये देखिए मोटर चालू इस साइड में, देख रहे हो ना, ये देखिए ये मोटर चल रहा है। बस थोड़ा मछलियों को भी खाना डाल देते हैं, मैं थोड़ा संभल के कैमरा पकड़ता हूँ। ये देखिए मछलियों को अभी डाल दूंगा खाना। देखिए वो कैसे खा रहे हैं, ये देखिए देखिए ये लोग कैसे खा रहे हैं। देखिए एकदम बारिश भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है फिर भी खा रहे हैं, लगता है मछलियों को ज़्यादा भूख लगी है। सुबह मैंने डाला था दो किलो दाना डाला था, अभी तकरीबन वो 1.5-2 किलो होगा। देख रहे हो कैसे खा रहे हैं, एकदम बड़ा बड़ा मछली हो गए। लगता है इलेक्ट्रिक करंट चला गया इसलिए मोटर भी बंद हो पड़ी है, ये देखिए बंद हो गया। चलिए देखते हैं घर पे, ये देखिए मछलियों ने कैसे ऊपर डुबकी लगा रहे हैं, ये देखिए ऊपर छलांग मार के मछलियों ने खाना खा रहे हैं। ये देखिए वाव इतना सुंदर सा नज़ारा, ये देखिए। चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है तो हम लोग भीग जाएंगे शायद। ये छतरी थोड़ा पुरानी है इसलिए वो इसमें भी थोड़ा पानी टपक रहा है छतरी में से। चलिए जल्दी निकल जाते हैं। ये देखिए कैसे बारिश की पानी आ रहा है हमारा
देखिए गेलू गेलू को देखिए थोड़ा, वो साला मजा ले रहा है पानी में भीग के। तो वो एक बूट पहन के, देखिए एक बूट पहन के वो साला मजा ले रहा है। ये रहा गेलू, ये देखिए बार बार खाली पानी में पड़ने के लिए आ जाता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जति खा रहा था। ये देखिए जति 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 कटी बापा है ता, है ता। जति खाना खा रहा है। जति को थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा है, वो पूरा ठीक नहीं हुआ खांसी, और दवाई भी खा रहा है उसका मम्मी। अभी लंच टाइम हो चुकी है, चलिए वह अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, चलिए अभी लंच करते हैं, खाते हैं, देखते हैं मम्मी जी ने भाभी जी ने क्या बनाया है। और लगता है भाभी जी ने आज मछली करी बनाया है, और तालाब में से और 2-4 तालापिया मछली पकड़े थे, और वही वाला मछली को भाभी जी ने बनाया है, देखते हैं। जल को मिर्ची लग गई। फाइनली टाइम हो रहा है 9:40, बस डिनर करते हैं। डिनर में बनी है रोटी और अंडा करी, मस्त खाते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।